हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशल कुमार और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं बीएससी मैथ्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स को बढ़ाते हुए यूलर्स थ्योरम पर बेस्ड एग्जांपल्स को, जो कि आपके बीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है यूलर्स थ्योरम और ये इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन इन एक्स एंड वाई, देन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब ध्यान देंगे, आप पूछेंगे कि सर यूलर्स थ्योरम का डेरिवेशन अगर आ जाए, यानी कि व्हाट डू स्टेट, क्वेश्चन कैसे आता है आपके बीएससी एग्जाम में आता है क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम, ये हो सकता है, या फिर यूलर्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका स्टेटमेंट एंड प्रूव इसके पहला लेक्चर में अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। और यहां से हम देखते हैं क्या केवल एग्जांपल्स को और उसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, हम लोग का पहला एग्जांपल क्या है कि वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर द एक्सप्रेशन एक्स पावर एन साइन वाई बाई एक्स। कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसके लिए आप यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, ध्यान दीजिए, यूलर्स थ्योरम कहता है कि इफ यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई, यानी कि ये जो फंक्शन दिया गया इसी का नाम हम क्या देंगे, यू नाम दे देंगे। तो चलिए इसका नाम दिया जाए, यानी कि इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, इसको लेट ऐसे क्या लिखेंगे, यू इक्वल टू एक्स पावर एन, एक्स पावर एन साइन वाई बाई एक्स, यू नाम दे दिया गया। अब ध्यान देंगे आप कि पहले इसको स्टेटमेंट को आपको ऐसे समझना पड़ेगा क्या कि u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई, इसका काम हो गया। क्या कहता है कि यह अगर एक होमोजीनियस फंक्शन है तो ये होगा। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा क्या कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। अगर होमोजीनियस फंक्शन होगा तब इसको हम लोग डिफाइन, ये इसको क्या करेंगे, हम लोग ड्राइव करेंगे, यानी इतना इक्वल टू इतना आएगा तो वेरीफाई हो जाएगी वस्तु। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, काम यही बनता है कि पहले इसको चेक करें कि यह होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, और कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं उसको भी कैसे हम चेक करेंगे, या उसके बारे में पूरा एक लेक्चर अपलोड किया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप होमोजीनियस फंक्शन को देखें, उसके बाद आप यूलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट और प्रूफ को देख लीजिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि आप देख लिया होगा, और तब इस लेक्चर को देख रहे हो तब पूरा अच्छे समझ में आएगा। आइए देखते हैं इसको क्या करना, हम लोग को इसको चेक करना है कि यह होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पर डेल x पुट करते हैं और y के जगह पर डेल y पुट करते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं रिप्लेसिंग x एंड y बाय लेमडा x, क्या बोलते हैं इसको, लेमडा x एंड लेमडा y ऐसे। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये u लेमडा x कॉमा लेमडा y इक्वल टू, जहां जहां x है उसके जगह लेमडा x और y के जगह लेमडा y, तो यहां हो जाएगा लेमडा x का पावर n साइन y के जगह लेमडा y और ये लेमडा x, ऐसा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऐसे लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां से क्या आएगा, तो यहां से आ रहा है ये u लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू, यहां देखिए इसको लिख सकते हैं लेमडा का पावर एन, लेमडा का पावर एन और एक्स का पावर एन, और यहां क्या आएगा साइन वाई बाई एक्स, साइन वाई बाई एक्स। अब ये बताइए क्या इसके जगह एक्स पावर एन साइन वाई पावर वाई बाई एक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं यू, तो क्या मिल गया हम लोग को u ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा y इक्वल टू लेमडा का पावर n और ये u, ऐसे आया। और अगर ऐसे आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह होमोजीनियस फंक्शन है, कितने ऑर्डर का, तो n ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। देखिए क्या कि दस वी गेट दैट द गिवेन एक्सप्रेशन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। तो ध्यान देंगे, ये तो हम लोग प्रूव कर दिए क्या कि यह जो एक्सप्रेशन दिया गया था वह क्या है, n ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। अब स्टेटमेंट क्या कहता है यूलर्स थ्योरम का, कहता है कि अगर यह n ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है तो आपको
बताना है कि इतना होगा, यानी कितना x डिग्री बाय dx + y डिग्री बाय dy = nu। तो पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे इसके बराबर आता है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देखना है u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x रेस्पेक्ट में, फिर u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y के रेस्पेक्ट में, और इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस u को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा, यहां से आ जाएगा del u by del x, del u by del x equal to अब इसका डिफरेंशिएशन, तो यहां पर क्या लगेगा e into v, x के पावर n को बाहर किए into sin y by x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए x के रिस्पेक्ट में, मतलब कि y किसे काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, cos y by x, अब हमको डिफरेंशिएट किसके करना पड़ेगा y by x, तो y तो कांस्टेंट है तो y बाहर, और बचेगा क्या 1 by x, इसका डिफरेंशिएशन minus 1 by x x square हो जाएगा। प्लस क्या किया, यहां से ध्यान देंगे x के पावर n को बाहर किए हम लोग, यहां से x के पावर n को बाहर किए और sin y by x का डिफरेंशिएशन किए, तो ये आया। अब क्या करना है हम लोग को, sin y by x को बाहर करना है, यानी कि यहां से sin y by x को हम लोग बाहर कर लिए into, अब किसका डिफरेंशिएशन, x के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो आप फॉर्मूला जानते हैं n into x पावर n minus 1, ये आया किसका वैल्यू, del u by del x का वैल्यू। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से क्यों, क्योंकि हमको चाहिए del u by del x into x चाहिए, तो इसमें जैसे ही हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x del u by del x equal to, इसमें भी x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले इस माइनस को आप यहां लिख दीजिए, माइनस x का पावर n, x का पावर n, और ध्यान देंगे यहां से क्या y into y डिवाइडेड बाय, यहां क्या बचेगा x, x क्यों बचा, क्योंकि x स्क्वायर है और जैसे ही x मल्टीप्लाई करने एक काट देगा, into cos y by x ऐसे आया, फिर क्या प्लस, और ये पूरा n into x पावर n minus 1 into, ध्यान दीजिए इसमें भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी, क्योंकि जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी और इस पूरे में भी, तो यहां पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो ये n हो जाएगा, समझ रहे कैसे, क्योंकि x into x का पावर n minus 1, तो इसका पावर 1 और n minus 1 जुड़ जाएगा, सही है। तो ये आया into sin y by x, ये आया, और इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 यहां हम मान चुके हैं। अब क्या करना है हम लोग को, चाहिए y del u by del y चाहिए, तो इसको y के रेस्पेक्ट में लिखिए, एंड पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, क्या मिलेगा del u by del y, और ध्यान दीजिए किसके रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में, यानी x, x किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, तो यहां से x के पावर n को बाहर कर लेते हैं, x के पावर n बाहर हो गया, into sin का डिफरेंशिएशन cos, cos और ये y by x, into y by x का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में करना है, तो 1 by x कांस्टेंट का काम करेगा, और क्या y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये इतना आया। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए y del u by del y चाहिए, तो इसमें y से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x का पावर n into, और इसमें y by x से मल्टीप्लाई, तो y by x हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो into cos y by x, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ऐसे अब क्या करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन 2 और 3 से हम लोग को इसका वैल्यू मिलेगा, जब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 एंड 3, लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3 x del u by del x प्लस y del u by del y, यानी सेकंड और थर्ड क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर में क्या है ये पूरा, यानी कि माइनस माइनस x पावर n इनटू y by x इनटू cos y by x, प्लस देखना यहां से x पावर n y by x, ये प्लस n इनटू x का पावर n इनटू sin y by x ऐसे आएगा, फिर क्या प्लस y del u by del y का वैल्यू, ये पूरा है
एक्स पावर एन इंटू वाई बाई एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स ऐसे आ जाएगा। और यहां से देख रहे हैं कि ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से क्या बचा x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू ये पूरा n इंटू एक्स का पावर n साइन y बाई एक्स। और आप अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो आप इसको क्या माने थे u माने थे, तो लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू एन यू। और आप जानते हैं कि यही हम लोग का होता है क्या यूलर्स थ्योरम, विच शोज दैट गिवन एक्सप्रेशन सटिस्फाइज यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम हेंस यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो आपको इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है इस तरीके से अगर आप एग्जाम लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में लिखने का एक तरीका भी होता है कैसे एग्जाम में लिखना है, मैंने आपको पूरा उसी प्रोसेस से बताया है। इसके बाद कुछ और देखिएगा एग्जांपल नंबर 2 है हम लोग का वेरीफाई यूलर्स थ्योरम व्हेन यू इक्वल टू दिस। तो सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन यू इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ऐसे हो गया। और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना हम लोग को यूलर्स थ्योरम वेरीफाई करना है, तो हम जानते हैं यूलर्स थ्योरम वेरीफाई तभी होगा या यूलर्स थ्योरम पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन तभी बनेगा जब सबसे पहले क्या होना चाहिए वो होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं कि यह होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए रिप्लेसिंग एक्स एंड वाई बाई लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई, तो क्या मिलेगा हम लोग को यू ऑफ लेमडा एक्स कमा लेमडा वाई। ध्यान देंगे आप सोचेंगे कि यहां पर एक्स वाई नहीं है, लेकिन u की जगह हम लोग यू एक्स कमा वाई भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये ऐसे आ गया इक्वल टू लेमडा एक्स इंटू लेमडा क्यू एक्स क्यू माइनस लेमडा क्यू वाई क्यू डिवाइडेड बाई लेमडा क्यू एक्स क्यू प्लस लेमडा क्यू वाई क्यू, न्यूमरेटर से लेमडा क्यू कमन डिनोमिनेटर से भी लेमडा क्यू कमन। तो यहां हो जाएगा लेमडा इंटू लेमडा क्यू एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यहां से भी कॉमन तो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और ये हो जाएगा लेमडा क्यू, इसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया लेमडा इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई ऐसे आया। अब ये किसका वैल्यू है तो देख रहे हैं फ्रॉम वन क्या हो जाएगा यहां से लेमडा और ये यू लिख दीजिए इधर ब्रैकेट में क्या फ्रॉम वन। अब क्या देख रहे हैं किसका वैल्यू आया तो ये आया लेमडा एक्स कमा लेमडा वाई और ये यू इसका वैल्यू। तो लेमडा का पावर कितना है वन, इसलिए क्या लिखेंगे सो या दस लिख लीजिए दस इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर वन या ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपको होमोजीनियस फंक्शन में दिक्कत हो तो आप होमोजीनियस फंक्शन वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये तो हम लोग चेक कर लिए क्या यह होमोजीनियस फंक्शन है कितने ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का। अब क्या देखना हम लोग को यूलर्स थ्योरम वेरीफाई करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करने से पहले दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग क्यों लेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स इन फर्स्ट फर्स्ट में, तो यहां हो जाएगा log u इक्वल टू जैसे ही इधर log लेंगे ये हो जाएगा log x प्लस log x क्यू माइनस वाई क्यू माइनस log x क्यू प्लस वाई क्यू, जो न्यूमरेटर में रहता है जितने टर्म उन सभी के साथ प्लस और जो डिनोमिनेटर रहता है उसके साथ माइनस, तो ऐसे है भी। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए और इसको किस मानिए सेकेंड लिखते हैं।
पार्शियली डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां आएगा 1 बाय यू डेल यू बाय डेल एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर बाय x क्यूब प्लस माइनस है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब, तो डेल u बाय डेल x कितना हो जाएगा, u जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो u into 1 बाय x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब, ऐसे आया। बट हम लोग कुछ जानते हैं कि यूलर्स थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब उसमें अप्लाई होगा वेरीफाई होगा उसमें किसका वैल्यू पुट करना पड़ता है, x डेल u बाय डेल x का, तो लिखिए देयरफॉर x डेल u बाय डेल x का, तो क्या हो जाएगा जैसे हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे यहां आएगा 1 प्लस यहां हो जाएगा 3x का पावर 3 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब, और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये के आया इधर x से मल्टीप्लाई किए तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर दिए इस पूरे में x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा और यहां से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया किसका वैल्यू x डेल u बाय डेल x का। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y लिखते हैं एंड पार्शियली डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा इसको जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय u बाय डेल y इक्वल टू इसका वैल्यू 0 क्योंकि इसमें y वाला टर्म नहीं है केवल x का टर्म है, लेकिन इसका क्या आएगा ये आएगा इसका तो 0 हो जाएगा इसका और उसका आएगा प्लस रहेगा, लेकिन यहां जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में, इसलिए माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब ये है स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब, तो यहां से डेल u बाय डेल y इक्वल टू u इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो u और यहां हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या y डेल u बाय डेल y, तो ये हो जाएगा u और इसमें y से मल्टीप्लाई तो माइनस 3y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब, और इसको मानिए इक्वेशन नंबर 4। ऐसे अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करते हैं, यानी कि एडिंग 3 एंड 4 वी गेट हम लोग क्या मिलेगा x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y, LHS में LHS को जोड़ दिए RHS में RHS को जोड़ेंगे, तो देखिए यहां से भी u और यहां से भी u कॉमन आ जाएगा, तो u कॉमन ले लिए तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस y माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस अभी इसी के आगे प्लस और ये, तो जैसे ही प्लस करेंगे क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस, तो माइनस 3y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस y क्यूब फिर माइनस ये 3y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y, ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद इस दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा -3 कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद आएगा ये x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू u और यहां से 1 प्लस अब ध्यान देंगे इसमें से 3 कॉमन लेकर के ऐड कर देना है, तो 3 कॉमन ले लिए और जैसे ही ऐड करेंगे ये हो जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस y क्यूब, फिर ध्यान देंगे इसमें से और इसमें से माइनस 3 कॉमन लीजिए और ऐड कर दीजिए तो x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब। अब एक चीज देख सकते हैं इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो यहां आ गया
u into 1 plus 3 minus 3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आ गया कितना x del u by del x plus y del u by del y equal to u, ऐसे आया। तुम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम इलोस थ्योरम का जानते हैं, इलोस थ्योरम से जानते हैं क्या कि x del u by del x plus y del u by del y equal to n u, अगर n ऑर्डर का होगा तो, लेकिन यहाँ पर क्या है 1, इसका मतलब क्या कि ये कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो देखेंगे विच सोच दैट इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मतलब यह क्या कर रहा है, इलोस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज यूलर्स थ्योरम पूरा नाम लिखेंगे आप, यूलर्स थ्योरम सेटिस्फाइज, हेंस यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। यूलर्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड नंबर एग्जांपल है हम लोग का, इफ u इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y, प्रूव दैट x डिवाइडेड बाय x प्लस y डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो सबसे पहले गिवन में क्या, तो u इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y, ध्यान देंगे यहां से इसका बेस कुछ नहीं तो क्या है, e है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि e का पावर u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y। ये कैसे, यहां समझ लीजिए, हम जानते हैं कि इफ log यहां a हो यहां b हो इक्वल टू 10 ऐसे, तो जब इसमें से log हटाते हैं तो a का पावर n हो जाता है, a का पावर n इक्वल टू b, तो इसी बेस पर इसको भी लिखा गया, सही है। अब ये बताइए यहां से हम क्या करते हैं, लेट e का पावर u इक्वल टू z, या आप u मान लीजिए, z भी मान सकते हैं और u भी मान सकते हैं, ये मान लीजिए हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे z मान लिए, तो देयरफॉर z इक्वल टू क्या हो गया, z इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस y, ऐसे। अब आप जैसे दो एग्जाम्पल्स बनाए वैसे ही इसको भी बना लीजिए, यानी कि चेक कर लीजिए कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, अगर है तो कितने ऑर्डर का है, तो लिखेंगे क्या कि रिप्लेसिंग x एंड y बाई लेमडा x एंड लेमडा y, क्या आएगा z ऑफ लेमडा x कॉमा लेमडा y इक्वल टू लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा x प्लस लेमडा y, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं, तो यहां से कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर में से लेमडा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में से लेमडा कॉमन लेंगे, तो ये आएगा लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा कॉमन लिए तो एक्स प्लस वाई, तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू है तो जेड ऑफ लेमडा एक्स कॉमन लेमडा वाई, ऐसे। तो लेमडा एक्स लेमडा जेड ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू, ये इसको काटेगा तो ये आएगा लेमडा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये और यही वैल्यू है किसका, देख रहे हैं जेड का, तो लिख सकते हैं जेड लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा और ये जेड, ऐसे आ गया। अब लेमडा का पावर कितना है 1, यानी कि कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। तो लिखिए क्या कि 10 जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, किस ऑर्डर का है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है। अब हम लोग वेरीफाई करना है दिस इक्वल टू 1, ये वेरीफाई करना है, तो लिखते हैं हम लोग क्या कि नाउ अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग कि x del u by del x plus y del u by del y equal to n u, n u, ऐसा हम लोग यूलर्स थ्योरम के अनुसार जानते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि यह n ऑर्डर का हुआ, n ऑर्डर का है, लेकिन यहां पर कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है,
तो हम लोग को यहां पर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। समझ में आया? होता तो इलोस्थिर ऐसे है, n रहता है यहां पर n, लेकिन कब, जब n ऑर्डर का होगा तब। लेकिन ये कितने ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसलिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 1u। तो केवल हम u लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये बताइए, हम लोग u को तो चेक करना नहीं, हम लोग किसको चेक करना है, z को, z को चेक करना है। तो लिखते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट u इक्वल टू क्या, u इक्वल टू, अब ये बताइए। तो यहां पर u हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, z। तो यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, z, और यहां पर क्या कर देंगे, z। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर u का फंक्शन होगा तो u, u और यहां भी u, लेकिन ये किसका है, z है, z ही है, क्योंकि z बराबर माना है, देख लीजिए यहां से z को दिस, इसलिए यहां भी z, यहां भी z, और ये यहां भी z हो जाएगा ऐसे। अब ये बताइए कि क्या करना है, u cos u इक्वल टू, यानी कि सब्स्टिट्यूट u z इक्वल टू, इस z की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, e का पावर u, क्या पुट करेंगे हम लोग, e का पावर u। तो अब ये बताइए, e का पावर u यहां से क्या आएगा, देयरफॉर x डेल e का पावर u डिवाइडेड बाय डेल x प्लस y डेल e का पावर u डिवाइडेड बाय डेल y इक्वल टू कितना, z, ऐसे आ जाएगा। अब ये बताएंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन लोग करेंगे तो कैसे, x डेल e का पावर u, एक स्टेप आपको बढ़ा देते हैं, फॉर्मूला तभी सेट होता है जब e का पावर में हो, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं कि de का पावर x बाई dx इक्वल टू e का पावर x, जो पावर में है वही बटा जाना चाहिए। तो फॉर्मूला सेट करते हैं, डेल u इंटू डेल u बाई डेल x प्लस y, और यहां पर भी फॉर्मूला सेट करेंगे, तो डेल e का पावर u डिवाइडेड बाई डेल u इंटू डेल u बाई डेल y इक्वल टू कितना है, z। तो z हो गया। अब ये बताइए, x इसका डिफरेंशिएशन e का पावर u इंटू डेल u बाई डेल x प्लस y, ये e का पावर u और ये डेल u बाई डेल y इक्वल टू z, दोनों में से e का पावर u कॉमन, तो यहां से हो जाएगा। एक चीज ध्यान देंगे, यहां पर हम लोग को भी पुट करना था z का वैल्यू, यहां भी पुट करना था क्या, e का पावर u, तो यहां पर भी आता कि RHS में e का पावर u सब जगह हो जाता, e का पावर u RHS में ऐसे। अब इधर से e का पावर u कॉमन लेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल, तो क्या आ गया, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू वन, एंड दिस इज प्रूव्ड। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर थ्री। इसके बाद देखें एग्जाम्पल नंबर फोर। तो एग्जाम्पल नंबर फोर देख रहे हैं, यू इक्वल, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस y, प्रूव दैट x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू डेल u। अभी जो आप एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखे उसमें क्या था, केवल इसके जगह log x था और यहाँ पर क्या था, वन। तो लगभग लगभग कैसा क्वेश्चन है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। देखिए लिखिए, गिवेन u इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस y। तो जैसे उसमें था log x, तो log x हटाए थे, तो वैसे साइन इनवर्स है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस y, ऐसे हो सकता है। और इसको हम क्या मान लेंगे, z, यानी कि लेट साइन u इक्वल टू साइन u इक्वल टू z, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस y। फिर क्या करना होगा, इसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा, तो लिखेंगे रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग x एंड y बाई लेमडा x एंड लेमडा y, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर z ये लेमडा x कॉमा लेमडा y। अब ये जैसे बनाए थे तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा x प्लस लेमडा y, और ये आ जाएगा लेमडा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस y, अर्थात कि लेमडा u लेमडा z z आ जाएगा, किसका वैल्यू, तो ये z लेमडा x कॉमा लेमडा y।
ऐसे मतलब कि क्या है यह फर्स्ट डिग्री का है तो लिख दीजिए 10 इट इज 10 इट इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ठीक है इट का मतलब क्या कि जेड के बारे में बोला जा रहा है ठीक है अब क्या करना है हम लोगों को ये प्रूफ करना है तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू नाउ अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम यूलर्स टी एच यू आर यूलर्स थ्योरम कैसे समझ में आ रहा है मुझे यूलर्स थ्योरम क्योंकि ये यूलर्स थ्योरम में ही यूलर्स थ्योरम का फॉर्म है इतना इक्वल टू ये प्रूफ करना है हम लोगों को तो क्या जानते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम एक्स डेल यू नहीं लिखना है ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर क्या है जेड है जेड इक्वल टू इसको लेकर चल रहे हैं तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू कितना होता तो एन यू है लेकिन एन यू नहीं लिखना है क्यों नहीं लिखना है क्योंकि कितने ऑर्डर का है फर्स्ट ऑर्डर का है जो फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वन वन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि और क्या बचेगा जेड ऐसे अब बताइए इसमें जेड की जगह पुट करते हैं जेड की जगह क्या पुट करेंगे तो देखिए साइन यू पुट करेंगे तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग या सब्स्टिट्यूट जेड इक्वल टू साइन यू तो क्या मिलेगा हम लोग को देयरफॉर एक्स डेल साइन यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल साइन यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल टू यू की जगह साइन यू ऐसे आ जाएगा अब क्या आगे इसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स ये पल फॉर्मूला सेट करेंगे तो डेल साइन यू डिवाइडेड बाई कितना डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल साइन यू डिवाइडेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू कितना साइन यू अब ध्यान दीजिएगा एक्स यहां पर क्या आएगा कॉस यू ये डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई फिर क्या हो जाएगा कॉस यू और यहां क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन यू और यहां ध्यान देंगे क्या तो यहां से देखिए कॉस यू इसमें से भी कॉमन कॉस यू इसमें से भी कॉमन तो कॉमन लेकर के इधर ला देंगे तो साइन यू बाई कॉस यू क्या हो जाएगा टेन यू तो क्या मिलेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा टेन यू एंड दिस इज प्रूव यही प्रूव करना था तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फोर एग्जाम्पल नंबर फाइव हम लोग का इफ यू इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्रूव दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन टू यू तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे यानी कि गिवेन और ये क्या यू इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई तो जैसे साइन वाले में लॉग वाले में हम लोग अलग किए थे वैसे इसको भी इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा टेन यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई ऐसे और उसके बाद इसको क्या मानते हैं जेड तो लिखिए लेट टेन यू इक्वल टू जेड तो देयरफॉर इसके जगह जेड रख दीजिए तो जेड इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई अब चेक करना है यह जेड क्या है इनहोमोजेनियस फंक्शन है तो कितने ऑर्डर का यानी कि रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग एक्स एंड वाई बाई लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई तो यहां पर हो जाएगा जेड लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लेमडा क्यूब और ये वाई क्यूब डिवाइडेड बाई लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई न्यूमिरेटर में से क्या कॉमन ले लेंगे लेमडा क्यूब तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और डिनोमिनेटर में से लेमडा कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई और इस तरीके से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर ये कट गया लेमडा स्क्वायर और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इसका जगह क्या पुट कर देंगे ये पुट कर देंगे जेड तो ये जेड हो गया यानी कि क्या देख रहे हैं हम लोग तो जेड लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा का पावर टू और कितना गया टू यानी कि कितने ऑर्डर का होमोजेनियस फंक्शन है तो टू ऑर्डर का तो क्या लिखेंगे दस इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर टू सेकेंड ऑर्डर का हो गया टू क्या लिखेंगे इसके बाद हेंस अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम यूलर्स थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग तो एक्स डेल जेड क्योंकि हम लोग
यहां पर क्या लिए हैं डेल जेड, क्यों? क्योंकि देखिए जेड इक्वल टू है इसलिए क्या लिए जेड, तो डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई और ये डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल कितना जेड। ऐसे अगर यहां पर यू जेड माने हैं, अगर भी माने होते तो भी, वाई माने होते तो वाई टू माने, लिखेंगे। अब क्या करेंगे यहां से पुट कीजिए क्या, तो सबस्टिट्यूट सबस्टिट्यूट जेड इक्वल टू कितना उसका वैल्यू, तो जेड इक्वल टू टेन यू, टेन यू जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, देयरफॉर एक्स टेन यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल टेन यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल टू टेन यू, ऐसे आ जाएगा। अब ये बताइए यहां से क्या करेंगे, हम फिर फॉर्मूला सेट करते हैं, तो एक्स डेल टेन यू तो बटन में क्या आएगा डेल, फॉर्मूला सेट करते हैं डेल यू आएगा इन टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल टेन यू डिवाइडेड बाई डेल यू इन टू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू टेन यू, ऐसे। अब यहां से हो जाएगा एक्स, टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर यू, तो सेक स्क्वायर यू इन टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर यू और ये क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू टेन वाई, ऐसे देख रहे सेक स्क्वायर यू सेक स्क्वायर यू, इसमें भी है कॉमन लेकर के इधर ला देते हैं इसके डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू टेन वाई के जगह क्या लिख सकते हैं साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई लिख सकते हैं ऐसा, और ये कॉस स्क्वायर वाई यू है सेक स्क्वायर यू है, क्या है सेक स्क्वायर, इसमें से जब कॉमन लेंगे और इधर लाएंगे तो इसके ऐसे हो जाएगा वन बाई सेक स्क्वायर यू, ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन यू डिवाइडेड बाई, अब ध्यान दीजिए कॉस यू, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और एक और बात ध्यान देंगे यहां से एक छूट रहा है क्या, तो यहां पर ये हो जाएगा ये टू हो जाएगा, यहां से छूट रहा था क्यों, ये टू होगा क्यों टू होगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू, तो एन की जगह क्या है टू, इसलिए टू जेड, तो सब में क्या रहेगा टू रहेगा, ये छूट रहा था तो यहां भी क्या रहेगा टू टेन यू, और यहां भी रहेगा टू, यहां भी क्या रहेगा टू टू टेन यू, तो ये इधर इधर क्या हो जाएगा ये टू, ठीक है। अब ये हो गया टू साइन यू बाई कॉस यू, ये यू है यू। अब ये बताइए सेक कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर यू एक्स एक कैंसिल हो गया तो क्या आएगा टू साइन यू इंटू कॉस यू, तो टू साइन इंटू कॉस है क्या होता है साइन टू है, तो ये आ गया एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन टू यू एंड दिस इज प्रूफ। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर फाइव, इस पर एक लास्ट एग्जाम्पल होगा हम लोग का, यहां से देखिए सोल्यूशन, और गिवेन यू इक्वल टू है यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ऐसे। अब ध्यान दीजिए यहां पर देख रहे हैं कि ये साइन इनवर्स और ये टेन इनवर्स, तो दोनों में अगर हम लोग क्या कर दें टेन इनवर्स टेन इनवर्स कर दें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहां से यू इक्वल टू यहां पर टेन इनवर्स में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ऐसे आ गया। अब यहां से क्या कर दीजिए सम कर दीजिए तो यू इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का एक्स वन बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स, ऐसे हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा यहां से तो यू इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स और यहां बटा के जोड़ कर देंगे तो ये हो जाएगा इधर जाकर के एक्स स्क्वायर प्लस इधर मल्टीप्लाई करेगा तो वाई इंटू रूट अंडर क्या आएगा यहां से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां से क्या
इसको आप मत करिए सही, और तब सॉल्व कर दीजिए तो ये आएगा x रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x y ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देंगे इसमें हम क्या करते हैं चेक करते हैं, तो चेक करने से पहले ध्यान दीजिए हम क्या बताए थे कि जैसे टेन इनवर्स और साइन इनवर्स होता तो क्या किया था हम लोग इसको इधर लाए थे तो क्या हो जाएगा इधर से टेन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस में क्या एक्स वाई। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग तो इसके बाद इसको जेड मानते हैं यानी कि लेट टेन यू इक्वल टू जेड तो देयर फोर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ये पूरा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिवाइड कितना एक्स रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब पुट रिप्लेस करते हैं यानी कि रिप्लेसिंग एक्स एंड वाई बाई लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई क्या मिलेगा हम लोग को जेड लेमडा एक्स कमा लेमडा वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई रूट अंडर लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आएगा लेमडा एक्स रूट अंडर लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसमें से लेमडा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लेमडा स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा लेमडा और लेमडा इसे मल्टीप्लाई करेगा तो लेमडा स्क्वायर यानी कि लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई। लेमडा स्क्वायर कैसे होगा समझ में आया लेमडा स्क्वायर कॉमन लिए तो बाहर आएगा तो लेमडा और लेमडा मल्टीप्लाई करेगा तो लेमडा स्क्वायर और रूट में क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर वैसे लेमडा स्क्वायर कॉमन लेंगे बाहर आएगा तो लेमडा और लेमडा है तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ से क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और ये हो गया एक्स वाई लेमडा स्क्वायर तो न्यूमरेटर में से लेमडा स्क्वायर कॉमन है जो हो जाएगा और डिनोमिनेटर में से भी लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए इसमें से क्या किया हम लोग लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिए डिवाइडेड बाई इसमें से कॉमन ले लीजिए लेमडा स्क्वायर एक्स एक्स रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया तो क्या आया ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है जेड का यानी कि जेड लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई। अब ये बताइए क्या यहाँ पर लेमडा आया यह लेमडा नहीं आया तो लेमडा नहीं आया तो इसको लिख सकते हैं क्या लेमडा का पावर जीरो इंटू लेमडा लिख सकते हैं क्योंकि लेमडा का पावर जीरो क्या वो ना जाएगा इसका मतलब लेमडा का पावर जीरो आया इसका मतलब यह होमोजेनियस फंक्शन तो है लेकिन कितने ऑर्डर का जीरो ऑर्डर का और जैसे ही जीरो ऑर्डर का होगा तो आप यहां देख लीजिएगा गिर देते हैं थोड़ा सा क्या लिखेंगे नीचे यहां इसके बाद लिखेंगे दस जेड इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर तो क्या लिखेंगे हेंस हेंस अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग x डेल u बाई डेल x प्लस वाई लेकिन u नहीं है क्या है z तो x डेल u डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल टू क्या होता है n जेड एन जेड होगा लेकिन एन क्या बनता है ऑर्डर और ऑर्डर यहाँ पर कितना है जीरो तो जीरो इंटू जेड बराबर कितना गया जीरो तो इस तरीके से आप इस लेक्चर में देखें यूलर्स थ्योरम पर बेस्ट कुल छह एग्जाम्पल को बताया गया जितने प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं उन सभी टाइप्स के एग्जाम्पल को इसमें शामिल किया गया। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।